महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा नियम ताक पर रखकर उर्दू डिपार्टमेंट बंद किए जाने के विरुद्ध में मुस्लिम लीग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14,00,000 स्कूल तथा 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल है। लेकिन इस विश्वविद्यालय में नियम के विरुद्ध उर्दू भाषा को हटाकर प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास इस लक्ष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मांग की गई कि चालू सत्र से उर्दू वर्ग शुरू किया जाए, वरना मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध पिटीशन दाखिल करेंगी। क्राइम अमरावती न्यूज़, अमरावती। चालू सत्र 2020 से विश्वविद्यालय ने उर्दू विभाग को बंद कर दिया और इसके जगह पर चार परदेशी भाषा, जापानी, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा जो परदेशी है, तो परदेशी भाषाओं को उन्होंने समाप्त किया। और उर्दू भाषा जो एक प्राचीन भाषा है, जिस करोड़ लोगों की बोली जाने वाली भाषा है, सिर्फ उर्दू भाषी जो भी उर्दू को नहीं बोलते, जिसमें मैंने अपने उत्तर प्रदेश के मशहूर बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक प्रेमचंद जोशी का नाम लिया है, वो अपना जो साहित्य लिखते थे वो उर्दू भाषा में लिखते थे, जिसके बिना पर उनको पद्म विभूषण का केंद्र सरकार से उनको विभूषित किया गया था। ऐसे गैर मुस्लिम साहित्य किस भाषा में पैदा हुए और इसका एक अदब इतिहास और परम्परा है। ऐसे भाषा को बंद करना और मातृभाषा को सत्र से निकालना, ये एक देशपूर्ण हेतु प्रश्न लगता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, इसने उर्दू की जो बैच थी वो बंद कर दी है। इसके विरोध में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है और हम सरकार से, ये केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि ये जो काम किया गया उर्दू के खिलाफ में, ये बंद किया जाए। ये उर्दू इस देश के असंख्यक लोगों की भाषा है। उर्दू है, उर्दू इस देश के अंदर जन्मी हुई भाषा है। उर्दू बाहर से आई भाषा नहीं है। जबकि वर्धा विश्वविद्यालय के अंदर फ्रेंच और दूसरे देशों की भाषाओं को लागू किया जा रहा है और उर्दू को कट किया जा रहा है, हम इसके विरोध में हैं। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसको निर्णय ले, नहीं तो हम आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। शहर अमरावती नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का क्राइम अमरावती चैनल की ओर से पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस समय चैनल के संपादक शब्बीर शाह, सिटी रिपोर्टर समीर अहमद तथा शैला मैडम ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से विशेष चर्चा की।